को जो करना था हमने तो कर दिया। आप चाहे तो गिरफ्तार कर ले। क्यों किया गणेश ये? तुम्हें पता है तुम्हें इसे फांसी हो सकती है। नहर की आत्मा को जो चैन पड़ेगा ना सरकार, तब हमें संतोष होगा। नहर के बेटे को मालूम है उसका बाप एक दगैत था। ऊपर बैठे नहर और हमारे आपस का मामला है। ये क्या है? एक और कहानी बाकी है अभी सरकार। इस बहरूपिये को तो हमें पकड़ना ही था। आगे मैं सब संभाल लूंगा। अब इसके पहले कि मेरे सिपाहियों को खबर लग जाए, तुम यहां से निकल जाओ और सुनो, दोबारा इस इलाके में कदम नहीं रखना, समझे? इस तरफ से नहीं, यहां मेरे सिपाही है, इस तरफ से चल जाओ। जाओ तुम जाओ। खिलाफत के पीछे कांग्रेस ने इतना बड़ा सहयोग किया, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमानों के साथ नहीं? हम कोई लच्छेदार बातें नहीं कर रहे हैं खत्री जी, हम असल वाक्य आपके आगे रख रहे हैं। बोलिए बोलिए बेग साहब बोलिए, हम भी तो सुने कि कांग्रेस ने आपके साथ कैसे दगा किया। 19 दिसंबर को लीग ने एक प्रस्ताव पास किया था कि बकरीद के वक्त गोवध नहीं होगा, मगर जनाब हिंदुओं की तरफ से कोई रियायती कदम ना उठा। कांग्रेस भी साल भर चुप बैठी रही। हम लोगों ने भी जबान नहीं खोली, क्योंकि हम लोग कौमी एकता चाहते थे। हंटर कमीशन से रपट आई थी, दायर को कोई सजा नहीं हुई। कांग्रेस का दिमाग बड़े सवाल में पहुंचा हुआ। ऐसा कौन सा मुद्दा हो सकता है लाला जी, इसकी आजादी से बढ़कर हो? देखिए कांग्रेस अगर जनरल डायर को सजा देने के मुद्दे में किशमिश और बादाम है कि नहीं, ये ऐसा तो नहीं कि खाली दही में शक्कर घोल के ले आए हो? सब है लाला जी। और सुन, अंदर जो तेरे साहब के पास बैठा है वो मेरा बेटा है, एक गिलास उसको भी दे देना, अलग से मलाई डालना। हम तो साहब इतना जानते हैं कि कांग्रेस ने इतने सारे भाई जो मुफ्त का मिल रहा है उसे तो पी लो, बात ना करना ना चैन से गटर पड़ा। आप तो कांग्रेस के आगे कुछ सुन नहीं। अरे नहीं नहीं, लाओ 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 भैया लाओ, रखो। सौदा बुरा नहीं है, लेकिन ये थानेदार जमीन की बोली ऊंची लगा रहा है। मैं उनसे बात कर लूं, आदमी बहुत अच्छे हैं। और बताओ आगे विचार क्या है? अब हुकुम करो, हम तो कानपुर से तुम्हारे दर्शन करने आए थे, और साथ में लक्ष्मी के दर्शन हो जाएं तो पुण्य ही पुण्य समझो। भाई मोतीलाल के खत से साफ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये गिटर पिटर करने से अंग्रेज डर करके भाग जाएंगे और वो आजादी अपनी आप तुम्हारी झोली में टपक पड़ेगी? आपका परिचय? हम कानपुर में परचून की दुकान चलाते थे। आजकल हमारा बेटा बहुत बड़ा महाजन है, और तुम कांग्रेस भी ये कुर्ता और टोपी पहनकर जब देखो तब भीख मांगने चले आते हो। जनाब पंसारी, हम भार्गव साहब के घर में बैठे हैं वरना। अबे तुमने ये बनिए की गाली किसे दी? और गांधी कौन है? कौन है गांधी? कौन है गांधी? वो हमारी बिरादरी का है। आज की घंटी कितने बजे गांधी ने? तुम होते कौन हो? बात क्या हुई? कुछ नहीं जनाब, जहाँ चार लोग बैठेंगे वहाँ तूफान तो खड़ा होगा ही। बेटा कुछ खान पान भी कराओगे? या हम या बैठे बैठे इन घरों की बदमाश सुने? बेटा राधे अंदर जा। जी में आता है केतवा दापर के ही खत्म कर दूं। सुन लिया, कितने अच्छे विचार हैं बाप के बारे में। वैसे ही यहाँ तीरथ करने के लिए आए। कैसा तीरथ? कैसा तीरथ? नरक कर रखा है तुमने सब कुछ। अल्लाह भार्गव क्या सोचेगा? उससे कहना लगती अच्छी कभी हमारे कान को राय तो हम कौन आएगा? तुम्हारे कौन आएगा? अरे तुम भूत पिशाच में ही तुम्हारा बसेरा हो सकता है, आत्मा में नहीं। चुप भी करो जी, बाहर नौकर जाकर। अगर दुनिया इतनी कड़वी जबान में बोले ना तो सारे ग्राहक हाथ से छुपा। एकदम चुप, जुबान खोली सारी।
अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? जा अंदर। देखिए महाराज, मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो पंडित, हमसे बहस मत करो, हमारा दिमाग वैसे ही खराब है, हम होश में नहीं है। वो तो हम देख रहे हैं सरकार, मगर कुछ ऐसा गजब ना करें कि आपको दरबार के आगे सर झुकाना पड़ जाए। पंडित, दरबार हमारी, ये सिर हमारा, हम इसको जब चाहे उठाए और जब चाहे बिठा दे। तुमको एक चिमरीखी से काम सौंपे थे, ये काम लायक बावन खोज रहा, वो तो तुम ला नहीं सके, बस मिनट मिनट में उद्देश्य ढलते रहते हो। सरकार, मंगल के पहले कोई अमंगल ना हो जाए, और सरकार आपको सही रास्ता दिखाना ही तो मेरा कर्तव्य है, मेरी नौकरी है। और सरकार, जब तक ये मंगल कार्य संपन्न ना हो जाए ना, तो तब तक आप अपने आप को संभाल रखिए। हम अपने आप को बहुत करीने से संभाल कर रखे हैं। सिलवनिया, सिलवनिया को हम दिल से प्यार करते हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं सरकार, आप ये रंडी पुतुरिया का नाश ना कराएं तो अच्छा है। तो फिर क्या करें, घाट पर बैठ के मंत्र पढ़े, ये तुम्हारा ये हसीन चौकता देखते रहे। जाओ जाओ, जाकर नाच गाने का प्रबंध कराओ। सुनो पंडित, हम समझते हैं तुम्हारी समस्या, पर तुम हमारी समस्या समझो ना। हम यहाँ बैठकर क्या करेंगे, अगर थोड़ा नाच गाना देख लेंगे तो थोड़ा दिल खुश हो जाएगा, क्या समझे? संगम से हटकर कहाँ तो लग रहा है, समझे? किसी को पता भी नहीं चलेगा मजलिस इसकी, समझ गए ना? अरे हाँ बोलो ना पंडित, जाओ। मेवा? हाँ बप्पा। बोलो। आजा। बेटा तू हर वक्त मुझ पे बस चीखा मत कर, ये बूढ़ी हड्डियां बेटा पता नहीं कब लड़क जाए, और फिर ये पाप करके तू अपना परलोक क्यों खराब करता है? तो गुस्सा दिलाते हो पप्पा। अरे हमको का अच्छा लगता है कि हम तुम्हारे सामने मुंह खोले? अरे हमेशा तो कारोबार का भूत चढ़ा रहता है दिमाग पर। वो तेरे उस तेल वाले कारखाने का क्या फैसला हुआ? वो नेत्राम जी का कहना है कि हम लोग अगर 1.5 लाख रुपया लगाएंगे तो आगे की वो सोचेंगे। कहां से आएगा इतना पैसा? अब तुम ही बताओ पप्पा, कानपुर में किसकी गर्दन नापे? देख तू है सिंह राशि, तुझे तुला राशि वाले किसी से फायदा हो सकता है, इसीलिए परचूनी करते रहे जिंदगी भर, मत कर देखो मंदिर में। सिंह राशि, तुला राशि, बेवकूफी बड़ी बात। पीछे से खींचो, पीछे से। अरे पीछे कौन है, जोर से खींच। हाँ ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, और जोर से। हाँ ये ठीक है। अरे वहां से चलो, छोड़ो जरा वहां से। अरे भैया जरा जोर लगा के, जोर लगा के। हाँ गांठ 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 गांठ। हाँ भाई लगा दो, ठीक करके। हो गया? हाँ। हाँ भैया, तमाशा हो रहा है क्या? हाँ बोलो भैया बोलो। ए रामचंद्र के सिपाही, चलो खिसक लो। तमाशा देखने आए हैं थानेदार साहब, हमको खदेड़ के तुम्हारा कौन फायदा होगा? जितनी पब्लिक रहेगी उतना ही तो आनंद रहेगा, और फिर असल जवान जनता तो हम लोग हैं। अबे चल, फिरंग के आगे जवानी कहाँ चली जाती है? अरे ए बचवा, जाओ जाओ, यहाँ बड़े लोगों की सभा होगी। अच्छा हम घर चले जाएं, और तुम यहाँ बैठ के अकेले में दिल खोल के मजा लूटो। हम बच्चे दिख रहे हैं आपको, ये देखिए हमारी मूछें। देखिए हम रज्जन भाई का नाच देखने आए हैं, तो खाली हाथ नहीं लौटेंगे, और नचवा तो हम देख के ही जाएंगे। तेरे तो मौसी से। अरे भगवान, हां तनिक। अरे बचवा, हम तुमको नाच गाने वाले लगते हैं? अरे यहाँ तो सत्यनारायण की कथा होगी, अगर नाच गाना होता तो हमें ना तुम्हारी उंगली पकड़ के ले आते, और साथ में तुम्हारे बाप को भी ले लाते। हमको बना रहे हो? हम सूंघ रहे हैं, हमको बना रहे हो? अरे इलाके में हम ही से होगा, अच्छी बात नहीं है। और बता दे,
आधे माझा कटा तो लटाई हमको मत फेंकना। अरे तुम पहलवान भैया, क्या झगड़ा करता है? मारूंगा। इतनी रात गए कहाँ कहर? घर जा रहा हूँ अम्मा, चाचा को देखा है। तनिक ठहरो, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। यहाँ अंदर बैठे बैठे हमारा दम घुटा जा रहा है। अम्मा खामखा थकान हो जाएगी, वहाँ जाने कितनी देर ठहरना पड़े। हम कौन से बीमार मरीज हैं, चल वहाँ गांव की खबर सुनने को हमारा जी मचला जा रहा है। अम्मा तुम भी बस, सारा परिवार यहाँ तुम्हारे साथ और तुम्हारा मन गाँव में बसा हुआ है। चलो हुई, हमसे झूठ बोला गया। हमारे गांव में हमारा इतना बड़ा अपमान। अच्छा, सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलादों, तुम्हारे बाप का पता ठिकाना क्या है? जरा हम उनसे मुलाकात कर ले। देखिए हमारे बाप तक मत जाइए। अबे हम तो तेरे बाप के बाप तक पहुंचेंगे, जरा पता ठिकाना बताओ। का धंधे पर गए हैं कलकत्ता? धंधे पर गए और गाँव के मत्थे मर गए दोनों अंधे हैं। ये ले अपनी अम्मा के हाथ पर रखना और कहना कि अपने खसम को बुलवा ले, जिससे वो तुम दोनों पर नजर रख सके, समझे? दफा हो जाए इसे। अब चाहते हो कि सरकार बंदूक निकाल कर फायर करे? दोबारा दिखे ना तो जूता खोल कर मुंह पर मारूंगा। किया जा रहा है और आप यहाँ आसन जमा कर बैठे हैं। चलिए बाद में करेंगे। आप कौन सा खेल बाकी रह गया? आप यहाँ बैठकर खेल बिगाड़ रहे पंडित जी, चलिए बाहर चलिए। ओ सीताराम 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 सीताराम। हमसे कोई गुस्ताखी हो गई हुजूर? गुस्ताखी तुमसे कहा रंजन, गुस्ताख तो हमारा कमबख्त दिल है। लाख जतन करने पर भी झिटक कर हमरे काबू से बाहर निकल जाता है। तो जाने दीजिए ना काबू के बाहर, हमें भी तो खिदमत का मौका मिलेगा। और हमारा दिल जो बेकाबू हो रहा है। जमाना नहीं रहा महाराज। पंडित पंडित जी हुकुम सरकार। हम जब आंख खोले तब सिलवनिया हमारे सामने नजर आनी चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता सरकार, जैसा कहा गया वैसा करो। नहीं ऐसा रहा तुम्हारा प्रोजेक्ट ढूंढते ढूंढते हमारे प्राण निकल जाए। जाओ अभी, कोशिश करते हैं सर।
मदद चाहिए, सिर्फ बनिया चाहिए बस। कोशिश करते हैं। चाचा आपकी राह देख रहे थे, हमारी आंखें थक गई थी। चाचा ये चोट कैसे लगी आपको? गांव में सब कुशल मंगल तो है ना गणेश जी। ये पोटली कैसे है? गहने? इतने सारे गहने चाचा? इसे पहचाना ठकराइन, ये हमारी लूट का माल जो तू बाबा के आश्रम में दे के आई थी ना। चाचा बेटा तू नहीं जानता, लेकिन ये तेरी अम्मा जानती है कि मैं डकैत हूँ, और तेरा बाप नहार सिंह भी डकैत था। और ये ठकुराई नहीं है, ये है नाचने वाली सेनी। छिनाल है तू। इसी तूने अपनी अकाउंट बता दी, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। हमरी नहीं छोड़ेंगे तुझे। एक कटरी में तेरे लिए भी लेके आया हूं। ये देख तेरे बाबा का सर। चाचा